आप कई दिनों से किसी चीज को पाने के बारे में सोच रहे थे और वह अचानक से आपको मिल गई। अक्सर इस प्रकार की घटनाएं हम सभी के साथ होती हैं। हम जो चाहते हैं वह कभी ना कभी हमें मिल ही जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कैसे हमारे मन में चल रही बातें कई बार सच हो जाती हैं? तो इसका जवाब है मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह आध्यात्मिक आयाम है जिसकी मदद से आप अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मैनिफेस्टेशन की मदद से अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपकी कैसे मदद करता है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खुद से प्रेम करें, यू कैन हील योर लाइफ और मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स जैसी तमाम ऐसी किताबें हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाने और लक्ष्य तक पहुंचाने में आपके कोच का काम करती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैनिफेस्टेशन है क्या? तो इसका जवाब है कि मैनिफेस्टेशन वह सपने हैं जो हमारी आंखों में पलते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार हम जैसी सोच रखते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी काम को करने में अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन आपके मन में भय है कि आपको उस काम में सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसे में असफलता की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करते रहें। ऐसा करने से वह आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और एक ना एक दिन आप उसे पा ही लेंगे। दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि आप किस तरह से मैनिफेस्ट करके यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप जो चाहते हैं उस चीज को लेकर स्पष्ट रहें। सपनों को हकीकत बनाना है तो आप सबसे पहले खुद को क्लियर करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और इसे कैसे पा सकते हैं। कंफ्यूज होकर आगे बढ़ने से आप कभी भी अपने सपनों को हकीकत बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्टेप 2, आप जो चाहते हैं उसे क्यों चाहते हैं, इसका कारण पता करें। और एक बार जब आप स्पष्ट हो जाएं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, तो फिर सोचना शुरू करें कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। ऐसा करके आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप वास्तव में वही चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं। स्टेप 3, अपने लक्ष्य पर काम करें। लक्ष्य क्लियर होने पर उस पर काम करना शुरू कर दें, पूरी रणनीति तैयार करें और साथ ही खुद को मोटिवेट रखने के लिए डेली सोने से पहले और सुबह उठने पर अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। स्टेप 4, खुद को वैसा ही समझें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको खुद को आईएएस ही समझना पड़ेगा। इसका असर आपके मस्तिष्क पर इस कदर पड़ेगा कि धीरे धीरे आपका दिमाग एक आईएएस की तरह ही काम करना शुरू कर देगा, जो कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा और एक दिन आप वह पा लेंगे जो आप सोचते हैं। अब ये तो थी लक्ष्य को अपनी ओर मैनिफेस्ट करने की कुछ तरकीबें। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन को अपनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको जीतोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप मैनिफेस्टेशन को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रही इन किताबों को पढ़ सकते हैं। यह आपको सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।